भाई लोग वीडियो पे लाइक जरूर बनता है यार, लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंजॉय करो वीडियो। ग्लोबल अपडेट जैसा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आ चुका है और एक नया इवेंट भी साथ में लाया है, अप्रिल्स एक्सपेरिमेंट। देखते हैं स्टोर पे जाके युका का एपिक वेपन है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरा फाइनली एपिक वेपन युका का मुझे मिल जाएगा और एक सैंग का विक्ट्री पोस्ट भी मुझे मिल जाएगा और मेरे सारे कलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इवेंट में क्या है इस बार। मेरे ख्याल से रिफ्ट की का इवेंट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि समर इवेंट अभी नहीं आया है और एपिक वेपन्स नए जो आएंगे वो समर इवेंट में ही आएंगे। कुछ क्वेस्ट जैसा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आया हुआ है और ये रहा विनर्स फार्मूला। इसमें टोकन्स मिलेंगे दोस्तों हम लोगों को, 1v1 का टूर्नामेंट होगा, 12 फाइट जीतने होंगे हम लोगों को। और एक विनर्स फार्मूला दूसरा है जिसमें 30 टिकट्स लगेंगे, इसमें 2 रिफ्ट कीज, ग्रैंड रिवॉर्ड में 1 रिफ्ट कीज, मतलब टोटल 3 रिफ्ट कीज मिलेंगे दोस्तों हम लोगों को इसमें। चलते हैं हम लोग नर्व्स और बफ्स की तरफ दोस्तों। कल हम लोग को पता है कि शेंग, कीबो, किंग ऑफ द लीजन, होंगजू और जेट का एनिमेशन चेंज हुआ है, काफ़ी भांसू एनिमेशन चेंज हुआ है दोस्तों। ये देखिए किंग ऑफ द लीजन नर्फ हुआ है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं होंगजू ट्रायम, देखिए कितना कम हो गया, 654 अटैक डैमेज भी थोड़ा कम हुआ है। शेंग की तरफ चलते हैं, कीबो की तरफ, पहले कीबो 667, 664 और 645, और उसके बाद हम लोग का बचता है शेंग द मॉन्क का जैसा हम लोग देख रहे हैं 544 है, और लेकिन शेडो डैमेज देखिए दोस्तों 912 है, अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त शेडो डैमेज अभी भी शेंग का दोस्तों। चलते हैं जेट की तरफ दोस्तों, हम लोग का जेट जो एनिमेशन चेंज हुआ उसका दोनों शेडो मूव का, ग्लेव वॉर्टेक्स और एक जो दूसरा शेडो मूव है उसका, हम लोग देखते हैं शेडो मूव कैसा चेंज हुआ एनिमेशन। ये रहा जेट का शेडो मूव, ओहो लुक एट दैट फ्रेंड्स, आहा तो ज़बरदस्त लग रहा है जेट का ये शेडो मूव दोस्तों, काफ़ी बढ़िया एनिमेशन, दूर फेंक देता है जेट को, अच्छा है। आप लोग कैसा लगा बताइएगा। जेट का पुराना वाला एनिमेशन देख लीजिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए रखा था, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये चेंजेस हुआ है जेट के एनिमेशन में। तो होंगजू नर्फ से पहले स्टैट्स देख लीजिए दोस्तों, अभी जो अटैक डैमेज है वो 700 के करीब है, इसमें 770 है, और ट्रायंप जो है 100 घटा दिया गया, 716 है। किंग ऑफ द लीजन जैसे अभी हम लोग देख रहे थे 515 है, उससे पहले 490 था, अभी जो अपडेट आया दोस्तों डिफेंस भी कम हुआ है और शैडो डैमेज भी कम हुआ है जैसा आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कीबो की तरफ, अभी 667, अभी 645 है, डिफेंस 645 है, अटैक डैमेज 646 है और शैडो डैमेज भी 645 है, वो मतलब जो अपडेट आया है उसमें बफ हुई है जैसा आप लोग फर्स्ट में देखे हैं। मैं सिर्फ आप लोग के लिए रखा था कि आप लोग को कंपेयर करके दिखा सकूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। शैडो डैमेज देखिए कम हुआ है, 956 था पहले, अभी 912 है, अटैक डैमेज थोड़ा कम हुआ है मेरे ख्याल से और डिफेंस भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।